पिस्ता शेल का, ये है फेविकोल में वाटर मिक्स, कुछ थ्रेड्स का, वाटर कलर्स का और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कार्टून के हमारे पास कुछ पीस जिसपे हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ध्यान रखिएगा मेजरमेंट इक्वल हो। इस पे रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, इस पे स्क्वायर ड्रॉ हुआ है। अब हम इसे काट लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर और नाइफ, बट बी केयरफुल गाइस। ये कटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे हमारा फेविकोल, इसमें हमने वाटर मिक्स किया। हम लोग इसमें पानी इसलिए मिलाते हैं ताकि ये इजीली अप्लाई हो सके और फैल सके। अब हम इस पे डालेंगे हमारा राइस। फिर 2 मिनट बाद इसे हम झाड़ देंगे। ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब हम इस पे एक कोट और अप्लाई करेंगे फेविकोल का, ताकि जो जगह थोड़ा थोड़ा छूट गया है वहां पे भी चावल अच्छे से लग सके। अब इस पे फिर से चावल डालेंगे, हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। जहां जहां चावल छूट गया वहां पे वापस से लगा लीजिएगा। सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद ऐसा दिखेगा। अगर आपका चावल झड़ रहा है तो आप इसके ऊपर एक और फेविकोल का कोट मार के सुखा सकते हैं धूप में। अब हम इस पे कलर करेंगे। हम करेंगे पर्पल कलर, आप कोई भी कलर कर सकते हो। राइस के सारे कलर चलेगा। एक बोल में पर्पल कलर के लिए हमें ब्लू मिलाना है, देन हमें रेड मिलाना है। आप चाहे तो इसे स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हो कलर। मैंने ब्रश यूज किया है, देखिए कलर कितना सुंदर है। कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम पिस्ता शेल को कलर करते हैं, हम इसे गोल्डन कलर करेंगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ पिस्ता शेल कलर है। अब हम इसे चिपका देंगे। ये हमें कॉर्नर कॉर्नर पे लगाना है।
कैसे भी चिपका सकते हो, वो सुंदर ही लगेगा। इसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट ये हो जाता है। ब्रश या पेंसिल या किसी भी इस चीज़ से हेल्प से इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके पीछे हम कार्डबोर्ड या फिर शादी के कार्ड किसी भी चीज़ का ये इसके पीछे फ्रेम जैसा बना देंगे। इसे हमें 3 साइड से चिपकाना है, 1 साइड से छोड़ देना है ताकि फोटो डालने में के लिए स्पेस रहे। ये ऐसे चिपक जाएगा, ये देखिए कार्डबोर्ड लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा थोड़ा मेस हो गया है और यहाँ पे ये धागा लेके मैंने इसे स्टेपल करके और चिपका भी दिया है ग्लू से और ये हमारा दिखा। इसके अंदर आप फोटो भी डाल सकते हो या फिर कुछ लिख भी सकते हो आराम से। बाय बाय गाइस।